नमस्कार दोस्तों, जो प्रिविलेज कार्ड आपने चलाता है, देखो यानी प्रिविलेज पॉइंट्स लगा करके, प्रिविलेज पॉइंट जो भी प्रिविलेज कार्ड आपने चलाता है, तो मेरा कस्टमर का कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आया था दोस्तों, ये प्रिविलेज कार्ड का जो खर्चा है हमने अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो भी प्रिविलेज पॉइंट है अप टू डेट कस्टमर का व्हाट्सएप पे जाना चाहिए, यानी कस्टमर को भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, क्लियर इन्फॉर्मेशन रहेंगे, यानी प्रिविलेज कार्ड का अंदर देखने से उसको प्रिविलेज यानी पॉइंट कितना एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है तो जो भी है उसको व्हाट्सएप अप टू डेट जाना चाहिए, एग्जैक्टली क्या है उसका प्रिविलेज पॉइंट, व्हाट इज दैट। तो वो समाधान हमने रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी दोस्तों, उसको देखिए। ये मैंने मोबाइल भी इधर रखा हुआ है, आपको जब भी प्रिविलेज पॉइंट इसमें आती है आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपने देखो इधर प्रिविलेज आपको परसेंटेज सेट करना पड़ता है, सबसे पहले आपको सेटिंग भी दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मास्टर एंट्री में सबसे यानी ऊपर आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन करके दिखाई देती है, देखिए आप कंपनी इन्फॉर्मेशन करके खोला है उसमें कंपनी का, देखो इधर देखो प्रिविलेज का पॉइंट अभी फिलहाल 0% डाला हुआ है। इसमें कैलकुलेशन कैसे है मैं आपको वेरी क्लियरली दिखा देता हूँ। देखो मात्र ये जगह पे आपने डालना है सब कुछ, यह आपने 1 डाल दिया यानी उसका मीनिंग 100%। दैट मीन्स जैसा 1000 रुपीज का माल किसी को भेजा है उसको 1000 पॉइंट्स मिलेगा, जितना भी पॉइंट्स है उसका 10% उसका डिस्काउंट यानी प्रिविलेज अमाउंट है यानी डिस्काउंट अमाउंट, यानी 1000 पॉइंट्स के लिए यानी समझ लीजिए 100 रुपीज। समझ लीजिए इधर हमने 0.5 डाल दे रहे हैं, देखिए इधर 0.5 करके डाल दिया। इसका मतलब क्या है, 1000 रुपीज का माल भेजेंगे कस्टमर को, उसको मिलेगा सिर्फ 500 पॉइंट यानी 500 प्रिविलेज पॉइंट्स, उसका अमाउंट कितना है डिस्काउंट अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज, ठीक है जी। तो समझ लीजिए इधर 0.25 डालता है, 0.25 डालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1000 रुपीज का माल कस्टमर को बेचता है उसको 250 प्रिविलेज पॉइंट्स मिलेंगे एंड 25 रुपीज उसका जो डिस्काउंट अमाउंट है। चलो ये आपको समझ में आ गया, हमने फिलहाल क्या किया अभी 0.5 डाल देते हैं, 0.5 करके डाल दिए यानी 0.5 जो भी है आपका, देखिए 0.5 करके यहाँ डाल दिए मैंने प्रिविलेज पॉइंट्स, यानी 1000 रुपीज़ का माल भेजेंगे 50 पॉइंट्स उसको मिल जाती है। देखो यहाँ आपने देखो इसको अपडेट कर दीजिए, खलास इसको क्लोज कर दीजिए। चलो प्रिविलेज परसेंटेज हमने सेट कर दिया, अभी हमने किसी कस्टमर को माल भेजना शुरू कर देंगे, देखिएगा किस तरीके से। आप सेल पैनल में जाइए, देखिए सेल पैनल में गया, देखो ये जो कस्टमर है, ये जो कस्टमर का नंबर इधर आया हो या दूसरा कस्टमर का नंबर इधर डालो, देखो ये कस्टमर इधर पहले से सेव्ड कस्टमर है, नहीं रुकिए न्यू क्लिक करते हैं, 80 यस। तो इसको एक्चुअली क्या है ना जी, देखो इधर प्रिविलेज बैलेंस बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है, इसलिए करके जीरो है, तो हमने इसको कई सारे माल भेजा हुआ है लेकिन इसको प्रिविलेज यानी किसी प्रिविलेज सेटिंग्स हमने पहले नहीं किया था, इसलिए करके प्रिविलेज पॉइंट जीरो दिख रहे हैं, ठीक है जी। उसको उधार वगैरह है कस्टमर का, देखिए 213 रुपीज जो भी है पहले से उधार ले रखा है, चलो इसको कुछ माल भेज देंगे। अच्छा माल भेजने के पहले हम जो बात हुआ था हमारा जो व्हाट्सएप पे प्रिविलेज पॉइंट जाना चाहिए उसका सेटिंग हम नहीं किया, वो भी करना पड़ेगा, दिखाता हूँ। सेल करने के पहले हम वापस जाएंगे, मास्टर एंट्री में सबसे नीचे देखो व्हाट्सएप टेम्पलेट से जो डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे चला जाती है, देखिए व्हाट्सएप टेम्पलेट आपने खोल दीजिए उसको, देखिए ये जो टेम्पलेट है इसमें आप एक्चुअली हमने प्रिविलेज का कोई समाधान यानी इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, प्रिविलेज का सेटिंग तो यहाँ देखा आपने, लॉयल्टी पॉइंट कहता है उसको, लॉयल्टी पॉइंट, ठीक है जी। तो ये इसमें हमने डालना चाहिए, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉपी कर लेते हैं इसको, जो भी डिलीट कर लेते हैं और हमने इसको दोबारा पेस्ट कर दिया इधर, और इधर देखो लॉयल्टी पॉइंट या प्रिविलेज PRIVILEGPOINT पॉइंट, देखो इसको सेमी कोलन डाल दो, हाइफन डालो, जो भी डालना आप डाल दीजिए, और ये जो लॉयल्टी पॉइंट वाला जो ये देखिए अपने इसमें थोड़ा सा क्लिक करिए, ये नीचे आया वो, इसको थोड़ा सा कट करके हम ऊपर लगा देते हैं, आपको दिखाई दे रहा ना, समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसका जो इन्फॉर्मेशन हमने इसको अंदर ला रहे हैं, और एक लॉयल्टी बैलेंस भी इधर है, प्रिविलेज बैलेंस
इसको हमने हाइफन डाल दिया और प्रिविलेज बैलेंस में भी क्लिक कर दिया, कंट्रोल एक्स। समझ में आ गया ना जी, प्रिविलेज पॉइंट्स ऐड करने के इंफॉर्मेशन मैंने मात्र इधर ऐड कर दिया व्हाट्सएप का सेटिंग्स के अंदर। आप इसको भी एनेबल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ये मात्र एक बार करना जी आपको, बाद में जितना भी कस्टमर है सब कुछ चलता रहता है। यानी मैंने आपको जो ओरिजिनल सेटिंग में आपको दिखाया जस्ट। चलो अभी हमने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेल करके देखते हैं, मास्टर एंट्री में और एक बार चेक करके देखते हैं वो सेव हुआ है कि नहीं, या प्रिविलेज पॉइंट सेव हो चुका है। वेरी गुड, चलो हम सेल करके देखते हैं। 8078 कस्टमर, 8078 कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना, एंट्री कर देना, कुछ माल उसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, 3-4 माल उसको ऐड कर दिया हमने, कुछ अमाउंट बड़ा कर देते हैं और क्या, और कुछ माल इधर डाल दीजिए। 856 है जी, चिल्ली पाउडर भी डाल देते हैं। चलो 1056 रुपीज़ है जी टोटल अमाउंट, बिल अमाउंट इसके नियर अबाउट 26 समथिंग आपको प्रिविलेज पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखिएगा कैसे आते हैं, ठीक है जी, आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे सिंपल वे में। आपको सेवानिवृत्त करवा दे रहा हूँ, मैंने सीधा सीधा सेवानिवृत्त कर दीजिए, यानी ये सुमेश बोल के जो कस्टमर है उसके नाम पर जो प्रिविलेज चला जा रहा है। अब देखिए, चलो व्हाट्सअप चला गया दोस्तों, देखो इधर व्हाट्सअप में भी आ चुका है, वाह, यस प्रिविलेज पॉइंट भी आ गया दोस्तों। देखिए आपने इधर देख सकते हैं, एक्चुअली ये ऑटो मैसेज नीचे आया हुआ, देखिए ये व्हाट्सअप जो बिल जो जाती है आपको टेम्पलेट इधर दिखाई देती है, आपको मैंने कंप्यूटर में भी दिखाई देती, देखिए सबसे नीचे वाला, देखिए ये देखो दोस्तों, ये देखिए प्रिविलेज पॉइंट आ चुका है ना। अभी हमने और कुछ करके देखते हैं, और कुछ नया बिल करके देखते हैं। चलो उसी कस्टमर को हमने दोबारा कुछ आइटम सेल करके देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। अभी देखो उसका जो प्रीवियस प्रिविलेज पॉइंट आपको इधर दिखाई देती है, और प्रिविलेज पॉइंट रिडीम करने के लिए जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा, 400 रुपये का, ठीक है जी, नियर अबाउट 200 प्रिविलेज पॉइंट आ जाती है। आप सेवा निवृत्त करके देखिए, व्हाट्सएप पे भी चला जाती है, देखो अभी करंटली क्या है प्रिविलेज पॉइंट, करंटली 200 है, यानी टोटल मिला के आपको 728 प्रिविलेज पॉइंट्स। आपको मैंने कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ, देखिए आपको बहुत मजा आएंगे दोस्तों, देखिए करंट प्रिविलेज पॉइंट यही है दोस्तों, यानी टोटल मिला जुला के ये पहले का 528 था, अभी 200 और बढ़ गया नीचे 728। वाह कितना ब्यूटीफुल फीचर है दोस्तों। आपको और एक बिल करके दिखाऊँ, दोबारा हमने और एक 200 रुपीज़ से आया, दो भी है, ये कितने अमाउंट का है, दूसरा एक अमाउंट का देखते हैं, एप्पल का कितना अमाउंट है, 400 रुपया, ठीक है जी। और ये भी हम डाल देते हैं एप्पल हम डाल दिए ऑलरेडी, चिल्ली पाउडर डाल देते हैं, 600 रुपीज़ का माल फिर भेज रहे हैं, सेम नहीं सेम कस्टमर को देखो 80 ये नंबर है, ठीक है जी। उसके देखो 700 इधर भी आपको दिखाई देती है उसके क्या प्रिविलेज पॉइंट्स है, मैं रिडीम करने के लिए भी दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा सेव कर दे रहा हूँ, यस कर दे रहा हूँ, और यस कर दे रहा हूँ दोस्तों, वाओ सुपर। अभी देखो आपको इधर कंप्यूटर में भी दिखाई देती है, देखो मोबाइल पे आपने देख रहे हैं ना, और कंप्यूटर में भी दिखाई देती है, देखिए टोटल मिला जुला के 1028 पॉइंट्स है, और करंट प्रिविलेज पॉइंट 300 है, और बिल सब कुछ आ जाए, इतना ब्यूटीफुल तरीके से बिल व्हाट्सएप पे चला जाता है दोस्तों, यानी कस्टमर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। और हमने न्यू क्लिक कर देते हैं, सेम कस्टमर 80 इसको रिडीम कैसे करना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रिविलेज पॉइंट यानी डिस्काउंट, यानी जब भी 5000 पॉइंट्स जब आएंगे उसको डिस्काउंट करना, आप जो भी कंडीशन आपने खुद लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो कस्टमर आया कुछ माल और ख़रीद रहे हैं उन्होंने, आर्ट टू कार्ट मांगो, टोटल 1400 रुपीज़ का टोटल, आप ध्यान से देखिए दोस्तों 1400 रुपीज़ का यानी टोटल माल उन्होंने खरीदा है, देखिए टोटल माल अभी करंटली उन्होंने कहा मेरा जितना भी प्रिविलेज पॉइंट है मेरे को रिडीम करके दो, खलास। अभी क्या है, कितना प्रिविलेज पॉइंट है आपके पास, 1028, समझ लीजिए 1000 पॉइंट्स आपने रिडीम करके दे दी, रिडीम पॉइंट्स इधर देखो 1000 लगा, 1000 डालने के टाइम क्या हो गया, ये जो 1300 रुपीज़ मात्र कैश पे करना उन्होंने, 1300
तो टोटल 1000 देखो यानी 1000 रिडीम पॉइंट्स ऑलरेडी कर दिया, 1000 रिडीम पॉइंट्स के अमाउंट आप उनको 100 रुपीज़ ऑलरेडी मिला है ना, तो मात्र यानी ये मैंने निकाल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए 1000 रुपीज़ ऑलरेडी इधर आ चुका है ना, देखिए दोस्तों प्रिविलेज का जो अमाउंट उन्होंने 1300 इधर पे कर दिया, यानी कैश में पे कर दिया 1300। और सेव एंड प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, देखिएगा हम देखेंगे इसको क्या होंगे। अभी आ गया दोस्तों, अभी करंटली क्या हुआ है, अभी करंट प्रिविलेज पॉइंट उनको मिला है, आप इसको देखिएगा थोड़ा, 700 यानी पॉइंट्स उसको अभी करंट प्रिविलेज पॉइंट्स मिला है, 1400 का 50% 700 रुपीज मिला है, प्लस उनका 700 पॉइंट्स अभी करंटली है और प्रीवियस हमने 1028 पॉइंट्स था उसमें से 1000 रिडीम किया था, उसमें से 28 भी जोड़ करके नीचे आया हुआ, देखिए देखिए 728, समझ में आ गया ना जी, पहले 1028 पॉइंट्स था उसमें से 1000 पॉइंट्स उसको रिडीम करके दिया था करेक्ट, बाद में उसमें 28.25 बाकी था, वो अभी करंटली जो प्रिविलेज पॉइंट उनको मिला 700 जो रिसेंट परचेज में, तो उसको भी जोड़ करके 728 यानी एग्जैक्टली कस्टमर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं दोस्तों कितना उनके पास प्रिविलेज पॉइंट है वगैरह वगैरह सब कुछ। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें एक फ़ायदा है दोस्तों, कस्टमर आपके पास रिपीटेडली आएंगे टू बी फ्रैंक, यानी आपके पास रिपीटेड कस्टमर आने लगेंगे आप प्रिविलेज ऑप्शन चलाने से। ये है दोस्तों प्रिविलेज पॉइंट्स का एक मैजिकल अट्रैक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। आप भी अपना जो शॉप में प्रिविलेज कार्ड चला सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से, विथ रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से इसको चला सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।